हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट्स आ रहा है कि पीएफएम बैंक स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं जो एलिजिबिलिटी होती है वो नो है, तो हम उसको यस कैसे करें। काफ़ी सारे किसान भाई हैं वो भी मेरे को यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर DBT ST 13 ये क्या है, ऑनलाइन सेंडिंग का मतलब क्या होता है, ये क्यों पेंडिंग में आ रहा है, मतलब नो आ रहा है। ठीक है, और बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं UID नेवर प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इनको कैसे ठीक करना है वो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, पूरा कुछ बताने वाला हूँ। मेरा नाम है राजू कुंबर, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम यहाँ पे कोई भी बढ़ा लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उन योजनाओं का लाभ सबसे पहले ले सकें। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाई परेशान हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जैसे पता है आपको कि 17 अक्टूबर 2022 को एक किस्त आ चुकी है, उसी के रिकॉर्डिंग में मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको 153 स्टेट चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना नंबर जो रहता है आपका मोबाइल नंबर या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक किसान भाई है उनका चेक करके आपको दिखाता हूँ और उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको जरूर समझिएगा, अगर नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आपकी नहीं होगी। तो कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक किसान भाई का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद में ये कैप्चा है, कैप्चे को भी फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद में है गेट डाटा के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक नया इंटरफेस आएगा, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो काफ़ी सारे किसान भाइयों को सेम प्रोसेस जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे ब्लर कर रखा है क्योंकि किसी की जो पर्सनल डिटेल्स है मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे जो है वो ब्लर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो आधार कार्ड डेमो बैंक ऑथराइजेशन स्टेटेड है जो सक्सेसफुल हो चुका है, बहुत सो का अभी यहाँ पे जो है वो नो आ रहा है। तो मैं आपको अभी एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा, तो आप उसको समझिएगा क्या है। देखिए, जब भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का पैसा आता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, एक सर्वे करती है सरकार, तो उसमें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड रेडी टू SMS PFM डेट। यानी आप सपोज कीजिएगा आपके पास में जो 10वीं स्मॉल जो भी इंस्टॉलमेंट है वो पैसा आ रहा है, तो उससे 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले ही कुछ यहाँ पे जो है वो सरकार अपनी तरफ से एक रिकॉर्ड तैयार करेगी। मतलब जो आपके सपोज कीजिएगा जो आपके एग्रीकल्चर डिपार्ट वाले होते हैं या फिर जो आपके लेखपाल हैं वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट लेते हैं, जैसे अभी नेक्स्ट टाइम पे हुआ था उसी प्रकार से। तो यहाँ पे उन्होंने जो डाटा यहाँ पे तैयार किया तो वो 4/16/2022 को, यानी जो डाटा था कंप्लीट डाटा था उन्होंने डाटा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में सेंड टू PFM डिटेल्स, यानी किसानों भाइयों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही वो डाटा तैयार हुआ उसके बाद सरकार के पास भेज दिया गया उसी तारीख को, जिस तारीख को वो फाइनल हो गया उसी तारीख को उसको सेंड कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाई बोल रहे हैं कि सर हमारे पास, हमने तो जमा किया था, हमने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा किए थे, सारा कुछ जमा किया था, फिर भी हमारी किस्त नहीं आई। तो आपने लेट जमा किया होगा या फिर आपका भी जो डाटा है वो अभी चढ़ा नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, जिससे आपको पैसा जो है वो बाद में भी आपको आ सकता है, 1-2 दिन या 8 दिन के बाद या 1 महीना भी लग सकता है। क्योंकि आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी पैसा आता है तो वो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं तो उनको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में काफ़ी सारे किसान भाई हैं कि PFM बैंक रिजेक्ट कर दे रही है, मतलब रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसमें हमारे सामने 2-3 ऑप्शन लिख के आ रहे हैं, जैसे DBT ST 13 या UID नेवर इनेबल फॉर DVD। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी पैसा आपको यहाँ पे दिया जाता है, जो भी पैसा आपको आता है, तो वो DVD के माध्यम से आता है, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, और कहीं से भी नहीं आता, सीधे बैंक में आपके पैसा जो आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपना जो आधार कार्ड है वो आपका बैंक में लिंक नहीं है या फिर आपने बैंक में EKYC नहीं कराई है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि आप अपनी बैंक में जाकर EKYC जरूर करा ले, नहीं तो आपको आने वाले इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत से किसानों भाइयों ने नहीं कराई थी। ठीक है, तो आपने अगर नहीं कराई है तो अभी भी जाकर जमा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं कि हमारा यस है, काफी बोल रहे हैं कि नो है, तो भी हमें पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी डिटेल सही होगी तो यहाँ पे यस होगा, और आपकी डिटेल्स में कोई भी मिस्टेक होगी तो नो होगा।
ठीक है। उसके बाद में काफ़ी सारे किसान भाइयों का एक कमेंट आ रहा है, और ये सारे किसान भाइयों के भी जिनको पैसा नहीं मिला है उसके में प्रॉब्लम आ रही है लैंड फंडिंग की, तो यहाँ पे यस है या नो है। तो बहुत से किसान भाइयों का यस तो कम ही का है, जिनको पैसा मिला है उन्हीं का है, बाकी तो नो ही नो है। तो नो है तो उसको यस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ समय के बाद में यहाँ पर एक वेरिफिकेशन होगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाके जमा कर दीजिएगा। अगर आप उन डॉक्यूमेंटों को जमा कर देते हैं तो जो आने वाले इंस्टॉलमेंट है या फिर जो रुकी हुई इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि सरकार इस पे जो है आपके डॉक्यूमेंट है इनको वेरीफाई करेंगे जो एग्रीकल्चर डिपार्ट के होते हैं, और अगर आपकी डिटेल सही होती है, सब कुछ सही होती है, तो आपको यहाँ पे जो यस है यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट मोड की बात करें तो आधार रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका आधार है या अकाउंट है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है वो आधार हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो पैसा है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वो डीवीडी के माध्यम से आता है। तो किसान भाई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, बाकी मिलते हैं।